फर्स्ट टाइम इन दिस रिएक्शन चैनल्स हिस्ट्री, इस रिएक्शन चैनल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं रिएक्शन पहले डाल रही हूँ, इंट्रो नहीं है इस वीडियो का, तो रिएक्शन एंजॉय करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स सेलिब्रेट इंडियाज़ मोस्ट बिगेस्ट सेलिब्रेशन एवर। ओके, बिगेस्ट सबको ले लिया है, सबको, यूट्यूब के सारे लोग इधर आ गए हैं। मम्मी जी, किस्मत का सौदा सच है या फौदा, पर लपक के ले लो हिस्सा चाहे हो कोई भी औदा। ये दुनिया है प्यारी तो प्यारे मतलब ही होगा। सेजल कुमार, आशीष चंचलानी, गायत्री भारद्वाज, MJ5 को भी ले लिया था। अरे बाप रे, राउंड टू हेल, सेजल कुमार, तन्मय भट्ट, सोनल देवराज, जाकिर खान, कितने लोग आए यार, ट्रिगर्ड इंसान भी एंड ऑल दैट। बहुत से लोगों का मैंने तो नाम भी नहीं लिया, इतने सारे लोग थे, कैसे नाम लेंगे यार, इतने सारे लोग थे। ये क्या कहते हैं उनको, बीस्ट, फ्लाइंग बीस्ट। कहाँ जा रहे हो, थैंक यू तो बोलने दो। ढिंडोरा को प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया, ये 8 हफ्ते कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और यदि अगर आपने ढिंडोरा नहीं देखा है तो ये री प्लेलिस्ट 8ों के 8ों एपिसोड है, एक रात में बिंज वॉच कर डालो। और मैं वैसे बोलता नहीं लेकिन आज मन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी बहुत कुछ आने वाला है, पर क्या आने वाला है सब बताऊंगा आराम से। ढिंडोरा का सीजन 2 आने वाला है,
थिंकिंग जो थी इसके पीछे बहुत ही कमाल की थी. इन्होंने सोचा था जैसा जैसा वैसा वैसा ही हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम. और हर चीज़ जैसे कि पहले ट्रेलर जैसा आया, उसके बाद फिर पार्ट्स आए सारे, उसके बाद लास्ट का ये मतलब गाना तो बोनस था उसके ऊपर. बहुत ही मज़ा आया सारे के सारे यूट्यूबर्स को लेके जो करने का आइडिया था इनका, वो बहुत ही कमाल का था. गाने का जो टाइटल मतलब टाइटल ट्रैक है ये, और इतना ज़्यादा कमाल का, इतना ज़्यादा पेपी है, इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि किसी के भी ज़ुबान पर चढ़ जाएगा. और बहुत ही हिट गाना है, बहुत ही ज़्यादा हिट गाना है. कैलाश खेर ने गाया है इसको, इतने बड़े सिंगर ने गाया है और इतना कमाल का गाया है. बताओ सबका डांस स्टेप, आई डोंट नो कोरियोग्राफर कौन है, लेकिन जो डांस स्टेप इन लोगों ने किया है ना, कैरी का और आशीष चंचलानी एंड तन्मय भट्ट का डांस देख के तो मैं मतलब एकदम अमेज हो गई कि अरे यार इतने मतलब इतना ज़्यादा डांस करते हैं ये. और बाकी लोग तो थे ही, मतलब बहुत सारे लोगों का तो मैंने नाम भी नहीं लिया. वो कुछ कुछ चैनल, बस मुझे चैनल के नाम याद है, हर्ष बेनीवाल एंड ऑल दैट, चैनल के नाम याद आ रहे थे मुझे, लोगों के नाम नहीं याद आ रहे. मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कौन कौन है भाई. और कुछ लोगों को तो मैं देख रही थी, बट मुझे पता नहीं था कि वो कौन है यार, कौन है. मैं बहुत सारे लोगों के चैनल्स नहीं देखती हूँ तो मुझे पता नहीं था. तो मैंने अगर किसी का नाम नहीं लिया है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ तो लूँ कैसे नाम. बहुत सारे लोग थे. सेजल कुमार का मैं पहले देखती थी वीडियो, तो इसलिए मुझे याद आया, अरे यार ये तो सेजल कुमार. सबको बुलाया, जितने भी यूट्यूब पर हिट चैनल्स है मुझे लगता है सबको इन्वाइट किया गया था. डोंट नो कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए, लेकिन बहुत ही मज़ा आया. जितने भी लोग आए, जितना भी धमाल मचा पाए ये लोग, उतना धमाल मचा. सबसे ज़्यादा मुझे कैरी और तन्मय का लगा मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट डांस. आशीष ने भी अच्छा किया एंड बाकी लोगों ने भी काफ़ी अच्छा किया. एम जे फाइव का सबसे अच्छा था मम्मी जी के साथ वो जो ठुमका लगाया, टीटू मामा अमेजिंग. मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारे कैरेक्टर ना कहीं मतलब ये यूट्यूब से ही मतलब लिए गए. राउंड टू हेल का नाम मैं लेना भूल गई, राउंड टू हेल के लोगों ने तो वाह 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 क्या बात है. वो भी आए थे तो ढिंडोरा ढिंडोरा बोला चल रहा था पार्ट, वो भी बहुत ही अमेजिंग लगा. तो कहीं ना कहीं यूट्यूब से ही सारे कैरेक्टर्स इंस्पायर है, और टीटू मामा का हो चाहे कहीं का भी हो. सिर्फ बबलू जी हैं और भुवन और कुछ कुछ कैरेक्टर हैं जो कि काफ़ी इनोसेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ मतलब गलत चीज़ें नहीं बोलते, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर एकदम से धुआंधार है. तो देखते हैं सीज़न टू का वेट करेंगे हम लोग, सीज़न टू कब आता है, क्योंकि ये तो अब सीज़न ख़त्म हो गया. अब नए आने वाला एपिसोड मुझे पता नहीं था. उस लास्ट वाले एपिसोड पर मैंने रिएक्ट किया था तो मुझे वहाँ पर दिखा था कि मतलब लिखा हुआ था कि लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीज़न, तो वो मैंने नहीं पढ़ा था तो इसलिए मुझे पता नहीं था. मैंने बोला कि और भी एपिसोड आएंगे तो हम और भी रिएक्ट करेंगे, बट नो, अब एपिसोड नहीं आने वाले हैं, अब सीज़न ही चेंज होगा. अब सीज़न टू आएगा और उसमें फिर ढिंडोरा का सीज़न टू आएगा, उसमें फिर सारे एपिसोड्स आएंगे. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लॉटरी जब लग गई फाइनली, उसके बाद फिर वो होला जी चाकू लेके आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, चाकू लेके वो किसको मारते हैं, वो किसको मार के आए थे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी. तो मैं वेट करूंगी देखने का. आप लोग भी, आई नो आप लोग भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करोगे, क्योंकि भुवन के दिमाग से जो भी कहानी निकल के आती है बहुत कमाल की होती है, बहुत हिट होती है. तो YouTube के एकदम से हिट में आते हैं ये, तो देखना बनता है. तो हम लोग देखेंगे आगे कि क्या होने वाला है. तो स्टे ट्यून करिए, इसी चैनल पर आपको सारे रिएक्शंस मिलेंगे ढिंडोरा पार्ट टू. मैं इसी तरह आप लोगों को एंटरटेन करती रहूंगी, रिएक्शंस करती रहूंगी. वीडियो पसंद आई होगी, अगर इस गाने पे मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा तो लेट मी नो बाय क्लिकिंग लाइक बटन और कमेंट करके बताओ यार कैसा लगा वीडियो. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल. और जल्दी ही हम लोग 6K कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी से 6K कंप्लीट कराओ इस चैनल पे. तो चलिए मैं इस वीडियो को भी एड करूंगी, मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय. Bye.